हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। एक डॉक्टर भगवान का रूप होता है जिसके हाथ में किसी की जिंदगी को मौत से बचा पाने की इनक्रेडिबल कैपेबिलिटी होती है। लेकिन क्या होगा अगर यही भगवान बन जाए एक असुर? ऐसे ही डार्क और सेंसिटिव प्लॉट के साथ हॉटस्टार पर रिलीज हुई है एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है ह्यूमन। 14 जनवरी को रिलीज हुई इस वेब सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं। रिलीज होने के कुछ घंटों बाद ही इसकी चर्चा ट्विटर पर जबरदस्त तरीके से होती हुई देखने को मिली, जहां हर कोई स्टोरी और थीम को लेकर अप्रिसिएशन देता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इस शो में ऐसा क्या हटकर देखने को मिलने वाला है जिससे इंडियन ऑडियंस वाकिफ नहीं है, और क्या वाकई इसमें दिखाया गया एक्सप्लॉइटेशन समाज की हकीकत है या सिर्फ कहानी? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं हम आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बाकी कोई और हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमन वेब सीरीज का थीम रिवॉल्व करता है एक दवाई के ट्रायल के इर्द गिर्द, जहां लोगों की जान की कीमत से ज्यादा दवाई का ट्रायल होना जरूरी है, फिर चाहे उसके लिए कितनी ही लाशें क्यों ना दफनानी पड़े। ये कहना गलत नहीं होगा कि डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स मोजेज सिंह और अमृतलाल शाह ने एक ऐसा टॉपिक व्यूअर्स के सामने पेश किया है जिसे पेश करने के लिए मेकर्स कई बार सोचते हैं। इतना ही नहीं, इस सीरीज में हर उस पहलू को दिखाया गया है जो इस तरह की कालाबाजारी और इनसेंसिटिव हरकतों से जुड़े होते हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों या फिर बड़े बड़े नामी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स। और यही वजह है कि इस वेब सीरीज की थीम ने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है और कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई डॉक्टर्स भगवान का रूप है। व्यूअर्स के एक के बाद एक ट्वीट से ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये कहानी लोगों को अंदर तक कितना कचोट रही है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाहर से जितनी साफ और सेफ दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही मैली और अनसेफ है। देखिए, इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि सिर्फ कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद ही हमने वैक्सीनेशन ट्रायल जैसे वर्ड को सीरियसली लेना शुरू किया था, जहां हर एक नई वैक्सीन के साथ हम यही उम्मीद कर रहे थे कि क्या पता इस बार कोविड-19 से लड़ने के लिए हमें एक रामबाण मिल जाए। लेकिन दवाइयों का इस तरह का ट्रायल बरसों से होता आया है, कभी जानवरों पर तो कभी इंसानों पर, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई से हम शायद पहली बार ही रूबरू हो रहे हैं, जो भले ही कड़वी है लेकिन आज के समाज की असलियत दिखाती हुई नजर आती है। बात करें अगर वेब सीरीज के लीड कैरेक्टर्स की, तो इसमें शफाली शाह, कीर्ति कुल्हाड़ी, राम कपूर, विशाल जेटवा, संदीप कुलकर्णी और अतुल कुमार लीड रोल्स में हैं, जहां शफाली और कीर्ति पूरी स्टोरी की सेंटर पॉइंट का काम करती हैं। शफाली शाह इस सीरीज में न्यूरोसर्जन गौरीनाथ के बेहद डिफिकल्ट कैरेक्टर को प्ले करती हुई नजर आई हैं। उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी एकदम परफेक्टली दिखे हैं और अपने कैरेक्टर के हर एक इमोशन को उन्होंने बखूबी परफॉर्म किया है। शफाली इससे पहले कई मूवीज और वेब सीरीज में फैबुलस परफॉर्मेंस दे चुकी हैं, जिनमें सत्या, दिल्ली क्राइम, दिल धड़कने दो शामिल हैं। इसके अलावा कीर्ति और विशाल जेटवा की दमदार परफॉर्मेंसेस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों ही अपने अपने किरदार के साथ न्याय करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा बाकी सभी एक्टर्स ने परफेक्टली अपने कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन पेश किया है, और यही वजह है कि कैरेक्टर की परफॉर्मेंसेस को क्रिटिक्स ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस के साथ साथ हर एक एपिसोड में महसूस होने वाली क्यूरियोसिटी और थ्रिल आपको सारे एपिसोड्स देखने के लिए मजबूर करने वाला है। भले ही स्टार्टिंग में आपके लिए ये सच डाइजेस्ट करना मुश्किल हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप आज के जमाने में सुनने में आ रही घटनाओं को इससे रिलेट जरूर कर पाएंगे। और वाकई अगर आप सिनेमा देखने के शौकीन हैं, तो ये शो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। एंड वी विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप हॉटस्टार पर इस वेब सीरीज को जरूर देखें। So guys, that is all for today's video. हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।